हेलो ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग लेडीज, आज का हमारा टॉपिक है कि फलोपियन ट्यूब क्या है और प्रेगनेंसी में इसका क्या महत्व है। फलोपियन ट्यूब बंद होने के क्या लक्षण हैं और बंद फलोपियन ट्यूब को कैसे खोला जा सकता है। इस वीडियो में हम फलोपियन ट्यूब के बारे में आपके ऐसे ही टॉप 8 सवालों के जवाब लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला सवाल, फलोपियन ट्यूब किसे कहते हैं और कंसीव करने में इसका क्या महत्व है। तो इसका जवाब ये है कि फलोपियन ट्यूब उस नली को कहते हैं जो महिला के अंडाणुओं को अंडाशय यानी ओवरी से गर्भाशय यानी यूटरस तक ले जाती है। आमतौर पर इसकी संख्या 2 होती है। प्राकृतिक रूप से कंसीव करने के लिए इनका क्लियर होना अनिवार्य है। इनके ब्लॉक होने की स्थिति में आपके पार्टनर का स्पर्म आपके अंडाणु में प्रवेश नहीं कर पाता है, जिससे प्राकृतिक रूप से कंसीव करना संभव नहीं रह जाता। दूसरा सवाल कि क्या फलोपियन ट्यूब के बिना भी प्राकृतिक रूप से प्रेगनेंसी संभव है। तो इसका जवाब ये है कि फलोपियन ट्यूब के बिना प्राकृतिक रूप से प्रेगनेंसी असंभव है। ऐसे में सिर्फ कृत्रिम इलाज जैसे कि IVF के द्वारा ही प्रेगनेंसी संभव हो सकती है। तीसरा सवाल कि क्या एक फलोपियन ट्यूब के ब्लॉक होने पर भी प्रेग्नेंट होना संभव है। तो इसका जवाब ये है कि यदि 2 में से एक फलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो और एक ब्लॉक नहीं हो, तो अंडाणु अनब्लॉक ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय तक पहुंच सकते हैं और ऐसी स्थिति में प्रेगनेंसी संभव हो सकती है। यदि दोनों ट्यूब ब्लॉक हो तो अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए ऐसी स्थिति में प्राकृतिक रूप से प्रेगनेंसी संभव नहीं है। यदि ट्यूब मामूली रूप से ब्लॉक है, उस स्थिति में ट्यूब प्रेगनेंसी का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में शिशु गर्भाशय में ना होकर फेलोपियन ट्यूब में ही रह जाता है और विकसित नहीं हो पाता है। चौथा सवाल कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के क्या लक्षण हैं? तो इसका जवाब ये है कि यदि आपकी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो आमतौर पर आप निम्नलिखित लक्षणों को महसूस कर सकती हैं, जैसे सहवास के समय दर्द, यूरिन पास करते समय दर्द, पेट के निचले हिस्से में अत्यधिक दर्द, कमर के निचले हिस्से में अत्यधिक दर्द, पीरियड बहुत ज्यादा आना और चक्कर आना इत्यादि। पांचवा सवाल कि क्या फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के बाद भी ओव्यूलेशन होता है। इसका जवाब ये है कि यदि आपकी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो भी ओव्यूलेशन तो हो सकता है, लेकिन नियमित रूप से ओव्यूलेशन होने पर भी आपके अंडाणु गर्भाशय में नहीं जा पाते हैं, जिससे कि आपके पार्टनर का स्पर्म आपके अंडाणु में प्रवेश नहीं कर सकता है। इस स्थिति में प्राकृतिक तरीके से प्रेगनेंसी असंभव हो जाती है और IVF ट्रीटमेंट ही एकमात्र उपचार रह जाता है। छठा सवाल कि क्या अदरक फेलोपियन ट्यूब को खोलने में सहायक हो सकता है। तो इसका जवाब ये है कि ऐसा मिथक है कि प्रतिदिन अदरक को घिसकर उसका रस लेने से या फिर अदरक की चाय पीने से बंद फेलोपियन ट्यूब खुल सकती है, लेकिन इस बात में सच्चाई नहीं है। अदरक में घाव के टिश्यू को भरने की क्षमता जरूर होती है, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वो फेलोपियन ट्यूब को खोलने में भी सहायक हो सकता है। सातवां सवाल कि क्या विटामिन सी फेलोपियन ट्यूब को खोलने में सहायक होता है। इसका जवाब ये है कि यदि आपकी फेलोपियन ट्यूब किसी प्रकार के इन्फेक्शन की वजह से ब्लॉक हो गई है तो विटामिन सी के सेवन से निश्चित रूप से उस ब्लॉकेज को खोलने में सहायता मिल सकती है। आठवां और अंतिम सवाल कि आखिर फेलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज को कैसे निकाला जा सकता है। तो इसका जवाब ये है कि यदि आपकी फेलोपियन ट्यूब में मामूली ब्लॉकेज है तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा विशेषज्ञ सर्जन उस ब्लॉकेज को दूर कर सकते हैं, लेकिन यदि फेलोपियन ट्यूब पूरी तरह से ब्लॉक है तब किसी भी प्रकार से उस ब्लॉकेज को नहीं निकाला जा सकता है। तो ये थे फेलोपियन ट्यूब और गर्भधारण करने में इसके महत्व के बारे में आपके टॉप 8 सवालों के जवाब। यदि आपके मन में कोई और भी सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछें, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि न जाने कौन सी जानकारी कब किस जरूरतमंद के काम आ जाए। धन्यवाद।